बड़ी पुरानी कहावत है, ऐसी बोली बोलिए जमकर झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो आपसे तगड़ा होए। फ्रांस के साथ पंगे ले लिया लीज ट्रस ने, जो पीएम बनने वाली है शायद यूके की। जानेंगे फ्रांस ने बदले में क्या किया। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अफ्रीका को 12 बिलियन डॉलर दिए और भारत को अब अफ्रीका ये लोन नहीं लौटा पा रहा है, लेकिन उसके बदले में अफ्रीका ने बेहद खास चीज ऑफर कर दी है, जिसे सुनकर आप यही कहेंगे कि भारत में अफ्रीका ने छप्पर फाड़ कर खजाना देना शुरू कर दिया है और इससे सबसे ज्यादा समस्या चीन को पैदा हो गई है। जानेंगे कैसे चीन वाली चाल ही भारत को फायदा दिला रही है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्रिटेन में पीएम पद के लिए दो दो लड़ाके मैदान में उतरे हुए हैं। एक तरफ है विदेश मंत्री लीज ट्रस और दूसरी तरफ है भारतीय मूल के ऋषि सुनक। ऐसे में दोनों प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर काफी गहमा गहमी में रह रहे हैं। कई बार आक्रामक भाषण देते भी नजर आते हैं। लेकिन इसी बीच लीज ट्रस ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रोन पर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी आलोचना चारों तरफ हो रही है। विदेश सचिव ट्रस ने कहा कि राष्ट्रपति मैक्रोन ब्रिटेन के दोस्त हैं या दुश्मन हैं, इस पर जूरी एक मत नहीं है। अगर वो प्रधानमंत्री है तो वो शब्दों से नहीं बल्कि उनके कर्मों से परखेंगी। नॉर्विच में एक कार्यक्रम के दौरान एक सवाल के जवाब में लीज ट्रस ने ये कह दिया। वहीं जब ऋषि सुनक से ये पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैक्रोन हमारे दोस्त हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति ब्रिटेन के मित्र हैं। अगर वो जॉनसन की जगह प्रधानमंत्री बने तो यूरोप के साथ ब्रिटेन के संबंधों को दोबारा स्थापित करना चाहेंगे। अब ट्रस ये कहकर अंतिम समय में फंस गई है, क्योंकि इस ट्रस के इस बयान से विपक्षी लेबर पार्टी ने निर्णय में भारी कमी का आरोप लगा दिया है और कहा है कि अगर ये प्रधानमंत्री बनती है तो ये निर्णय नहीं ले पाएगी, क्योंकि ब्रिटेन के सबसे करीबी के रूप में फ्रांस को देखा जाता है और फ्रांस के लिए एक अपमानजनक टिप्पणी कर दी है ट्रस ने। और इतना ही नहीं हुआ है कि सिर्फ विपक्षी दल बल्कि ट्रस के अपने करीबी भी अब उसके इस बयान की आलोचना करने लगे हैं और ये कहने लगे हैं कि ये एक गंभीर गलती है, उन्हें कूटनीतिक लहजे में बोलना चाहिए था। ट्रस के बयान पर कई अब प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं कि आप जरा सोचो, आप किसके बारे में बोल रहे हो? फ्रांस के बारे में बोल रहे हो जो हमारे सैन्य संगठन का हिस्सा है। वैसे आपको बता दें, लीज ट्रस की टिप्पणी पर फ्रांस की मीडिया भी बहुत गुस्से में आ गई है, उनके बयान की आलोचना में लग गया है मीडिया। कई मीडिया ने इस बात को कहा है कि इन्हें बिल्कुल भी न तो बोलने की तमीज है और न ही ये समझ सकती है कि कौन से निर्णय कैसे लिए जाते हैं। एक बार तो इन्होंने ये कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो वो तुरंत परमाणु बम का बटन दबाने को तैयार है, वो पीछे नहीं हटेंगी। वैसे जब इनसे सवाल किया गया था कि परमाणु युद्ध के बारे में आप क्या सोचती हैं, तब उनका इस तरीके का आंसर एक बड़े नेता का जो प्रधानमंत्री हो किसी देश का, वो वैसा वाला नहीं लगता है। ऐसे में अब इस दौड़ में कहीं ऋषि सुनक ही फायदा न उठा जाए और देखने को मिले भारतीय मूल का एक पीएम यूके में, हालांकि इसकी संभावना ज्यादा मानी जा रही है। अब देखिए क्या होता है। हालांकि ऋषि सुनक अगर बनते हैं तो भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी, दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी अच्छे से बढ़ेंगे। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो असली वाला खेल तो हो गया है अफ्रीका में। हाल ही में भारत ने बहुत सारा लाइन ऑफ क्रेडिट दिया अफ्रीका को और कुल मिला के अफ्रीका को लाइन ऑफ क्रेडिट की बात करें तो 12 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है। जिम्बाब्वे की ही अकेले बात करेंगे ना तो करीब हर साल जिम्बाब्वे को कुछ न कुछ जाता ही है, 40 मिलियन 50 मिलियन कभी 100 मिलियन, तो जिम्बाब्वे के पास भी एक ठीक ठाक हमारा कर्जा हो गया है। जिम्बाब्वे हो गया और अफ्रीका के जो ये ज्यादातर देश है जहां हमने लाइन ऑफ क्रेडिट बांटी है, इस लाइन ऑफ क्रेडिट के अलावे अफ्रीका में भारत ने बहुत सारा काम किया है, जैसे कि गाम्बिया में संसद भवन बनाया है भारत ने, उसके अलावे कई जगह
पे बहुत सारे ऐसे बेहतरीन भवन बनाए हैं। अब अफ्रीका में इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरीके से चीन कभी हुआ करता था वैसा ही भारत है। भारत ने भी कई तरह की इमारतों का निर्माण किया है और अफ्रीका के विकास में लगातार सहयोगी बना हुआ है भारत, और ये सहयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पहले चीन अफ्रीका के देशों में कर्जा दिया करता था, लेकिन अब भारत कर्जा दे रहा है। पर क्या चीन की तरह बर्दाश्त कर पाएगा भारत अगर कर्ज नहीं लौटता है तो? चीन ने तो युगांडा के एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया, क्या भारत भी इस तरीके का कर सकता है? क्योंकि हालात कुछ उसी तरीके के बन गए हैं। हालांकि अभी भारत कई तरह से अफ्रीका के साथ अपने रिश्ते को बढ़ा रहा है, और अफ्रीका में कोई भी देश जब एंट्री लेता है ना तो उसके दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। बहुत बड़ी बड़ी चीजों में क्या कि इन देशों के पास है बहुत सारा खनिज पदार्थ, इनके पास रेयर अर्थ मटेरियल है जिसकी जरूरत दुनिया के हर बड़े देश से लेकर छोटे देश को है। इनके पास इस तरीके के हालात है कि ये खजाने पर बैठे हैं, लेकिन उस खजाने को निकालने की ताकत इनके अंदर नहीं है। सोने के खदान बोले या फिर हीरे के या फिर लिथियम के यूरेनियम के जितने रेयर अर्थ मटेरियल आपको मिलेंगे सब इन्हीं देशों के अंदर मिलेंगे। फिर आप सोचेंगे कि यहाँ पर ये फिर धनी क्यों नहीं बन जाते हैं? तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक तो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है, आपस में इनमें टकराव बहुत ज्यादा है। अफ्रीका के सोमालिया वगैरह ये सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर लगातार लगभग कुछ न कुछ चलता रहता है, कोई गृह युद्ध में फंसा हुआ है, कोई किसी चीज में फंसा हुआ है, तो ये इलाके उस तरीके से संगठित नहीं हो पाए हैं। और दूसरी बड़ी बात ये है कि किसी चीज के प्रोडक्शन के लिए भी उसमें पैसे लगाने बेहद जरूरी है। अब चीन जब यहाँ पर घुसा तो चीन ने जिम्बाब्वे को कर्ज दिया। जिम्बाब्वे ने कहा कि ठीक है आप हमें कर्ज दे रहे हो, हम कर्ज तो नहीं लौटा पा रहे हैं, तो फिर आप बताओ क्या करना है। और चीन ने जिम्बाब्वे के कई इलाकों पे कब्जा भी कर लिया। साथ ही साथ चीन ने जिम्बाब्वे के लिथियम भंडार पर नजर डालनी शुरू कर दी। अब अफ्रीकी देशों ने भारत को भी यही चीज कह दी है कि हम 12 बिलियन डॉलर आपका लौटा नहीं पाएंगे। लेकिन भारत और चीन में फर्क है, भारत किसी चीज पर कब्जा करने की बात नहीं करता है। अब भारत के सामने खुद अफ्रीकी देशों ने रख दिया है ऑफर, इसके आप हमसे ले लो लिथियम, लिथियम के भंडार पर आप उत्खनन करो, आप कब्जा कर सकते हो, उसके बदले में आप लिथियम का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये भारत के लिए बहुत ही अच्छी बात है। सबसे बड़ी शुरुआत जिम्बाब्वे में ही हो सकती है क्योंकि जिम्बाब्वे में लिथियम का बहुत ज्यादा भंडार है, और इस वक्त दुनिया जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है, लिथियम का ऑफर मिलना भारत के लिए किसी छप्पर फाड़ खजाने से कम नहीं है, वो भी इस अंदाज में। और जहाँ तक अफ्रीका को फायदा होने की बात है तो अफ्रीका को भी फायदा होगा क्योंकि भारत वहाँ पर प्रोडक्शन करने जाएगा, उत्खनन करने जाएगा, तो वहाँ की मेन पावर का इस्तेमाल करेगा। यानी अफ्रीका को भी फायदा और भारत को भी फायदा। वैसे भारत ने अभी तक इस पर आधिकारिक तौर पर हाँ नहीं बोला है, पर आपको क्या लगता है भारत को क्या करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।